नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मारी YouTube चैनल विद्यादीप में आपनो हार्दिक स्वागत छे। मित्रों, आजना वीडियो नी अंदर अपने धोरण 6 विषय से विज्ञान जेनी एकम कसोटी तारीख 27/8/2022 ना रोज लेवाई आ एकम कसोटी नी प्रश्न बैंक जे हती ते प्रश्न बैंक ना सोल्यूशन विषय आज आपणे शीखीशु। आ वीडियो नी अंदर अपने भाग 1 नी अंदर प्रश्न 1 अने 2 जे प्रश्नो आपेला छे तेना विषय समझ मेळवीशु। बीजा भाग नी अंदर अपने 3 અને 5 ना जवाबो छे ते मेळवीशु। तो चलो शुरू करिए प्रश्न 1 जेमा पहेलो प्रश्न छे, नीचे आपेली खाली जगह पूरो, कोई पण 5। पहेली खाली जगह, इडली नी बनावट मा वनस्पति स्त्रोतनो उपयोग थाय छे। त्यार पछी बीजी खाली जगह छे, रोटली एटले के चपाती नी बनावट मा ओछा मा ओछी 2 वस्तुओ लेके खाद्य पदार्थों की जरूर पड़ से। त्रीजु, खीरनी वानगी में प्राणी स्त्रोत में उपयोग थाय छे। चौथु, मध बनावा माटे मधमाखी पुष्पों पर थी मधुरस एकठो करे छे। पांचमु, वनस्पति के वनस्पति नी पैदाश खाता प्राणियों ने तृणाहारी प्राणियों कहे छे। छठु, मांसाहारी प्राणियों फक्त मांस खाय छे। त्यार पछी सातमी खाली जग्या, आपणा भोजन में जोवा मळता कार्बोदित स्टार्च तथा शर्करा स्वरूप में हो। आठमी खाली जगह, स्टार्च ना परीक्षण माटे आयोडीन द्रावण वपराय छे। त्यार पछी नवमू, कोपर सल्फेट अने कोष्टिक सोडा ना द्रावण नो उपयोग प्रोटीन ना परीक्षण माटे थाय छे। दसमू, कागळ पर तेल ना डाघा लिपिड नी हाजरी सूचवे छे। अग्यारमू, काचा बटाटा मा स्टार्च पोषक तत्व हाजर होय छे। बारमू, मगफळी मा चरबी पोषक तत्व हाजर होय छे। तेरमू, विटामिन ए आँखो अने त्वचा ने तंदुरस्त राखे छे। चौदमू, विटामिन सी नी उणप ने कारणे पेढ़ा माथी लोही निकळवू तेमज घा मा रूज आवता वधु समय लागे छे। त्यार पछी पंदरमी खाली जग्या, बेरी बेरी नो रोग विटामिन बी नी उणप थी थाय छे। त्यार पछी सोळमी, मेदस्वीता पाछळ आपणा भोजन मा चरबी नी वधु मात्रा जवाबदार छे। सत्तरमू, रोग तथा विकृतिओ माटे विविध विटामिनो नो अभाव जवाबदार छे। अठारमी, विटामिन बी वन नी उणप ने कारणे बेरी बेरी नो रोग थाय छे। ओगणीसमी, प्रोटीन नु परीक्षण करता जांबली रंग खाद्य पदार्थ मा प्रोटीन नी हाजरी दर्शावे छे। त्यार पछी वीसमी खाली जग्या, कार्बोदित खोराक ने ऊर्जा आपवा वाला खोराक तरीके ओळखवामां आवे छे। एकवीसमी, प्रोटीन खोराक ने शरीर वर्धक खोराक तरीके ओळखवामां आवे छे। बावीसमू, पोषक द्रव्य प्रदान न करता होवा छतां वृक्षांश ए आपणा भोजननो आवश्यक घटक छे। तेवीसमू, आपणा शरीरमांथी अपाचित खोराक ने बहार काढवामां मोटू आंतरडू मदद करे छे। चौवीसमी, आपणा आहारमां रहेल पोषक द्रव्यनुं शोषण करवामां पाणी मदद करे छे। ने पच्चीसमू, ચોખા તથા દાળને વારંવાર ધોવાથી તેમાં રહેલ પાણી અને ખનિજ ક્ષાર દૂર થઈ જાય છે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન 2, નીચે આપેલા પ્રશ્નોના માગ્યા મુજબ જવાબ આપો, જેમાં પહેલું, આહારના ઘટકોને ખાદ્ય પદાર્થના સ્ત્રોત જેવા કે વનસ્પતિજન્ય તેમજ પ્રાણીજન્ય સ્ત્રોતમાં વર્ગીકૃત કરો। તો ચાલો કરીએ, પહેલું ચણા, તો વનસ્પતિજન્ય સ્ત્રોત, મરઘી પ્રાણીજન્ય સ્ત્રોત, દૂધ પ્રાણીજન્ય સ્ત્રોત, તેલ અને ઘી જેમાં તેલ વનસ્પતિજન્ય અને પ્રાણી ઘી પ્રાણીજન્ય, સોયાબીન વનસ્પતિજન્ય સ્ત્રોત છે। ત્યાર પછી બીજું છે, તેની અંદર પણ આપણે ખાદ્ય પદાર્થોના સ્ત્રોત અને ઘટકો જોવાના છે, જેમાં ચોખા તો વનસ્પતિજન્ય, માછલી પ્રાણીજન્ય, પનીર પ્રાણીજન્ય, વાલ પ્રાણીજન્ય, ઈંડા પ્રાણીજન્ય। ત્યાર પછી ત્રીજું, જેમાં ખોરાક અને વિટામિનના સ્ત્રોતને આપણે ઓળખવાના છે, તો દૂધમાંથી વિટામિન એ મળે છે, ઈંડામાંથી પ્રોટીન મળે છે, ચોખામાંથી વિટામિન બી મળે છે, ટામેટામાંથી વિટામિન સી મળે છે અને ગાજરમાંથી વિટામિન એ મળે છે। ત્યાર પછી ચોથો પ્રશ્ન, આપેલ ખનિજ ક્ષારોના વિટામિનને તેના સ્ત્રોત મુજબ વર્ગીકરણ કરો, જેમાં આયોડીન તો મીઠું, માછલી, પાલક અને આદુ, ફોસ્ફરસ કેળા, ચોખા અને ઘઉં, કેલ્શિયમ દૂધ અને ઈંડા, આયર્ન જમરૂખ, પાલક અને સફરજન, વિટામિન સી નારંગી, ટામેટા, લીંબુ, આમળા, જામફળ અને લીલા મરચા। ત્યાર પછી
विटामिन अने खनिज क्षारोनी उणपने कारणे थता त्रुटिजन्य रोग मुजब वर्गीकरण करो, जेमा आयर्ननी उणपथी एनीमिया, विटामिन सीनी उणपथी स्कर्वी, विटामिन डीनी उणपथी रिकेटस, विटामिन एनी उणपथी दृष्टिहीनता अने आयोडीननी उणपथी गोइटर नामनो रोग थाय छे। तो विद्यार्थी मित्रों अहीं आपणी धोरण 6 एकम कसोटी विज्ञाननी जे 27/8/2022 ना रोज लेवाय तेनो भाग एक छे ते आपणे पूरो करीए छीए। भाग बे नी अंदर तमने भाग प्रश्न नंबर 3 थी लई अने 7 सुधीना प्रश्नो छे ते जोवा मळशे। तो आशा राखुं छुं आपने आ वीडियो पसंद आवशे। भाग 3 नो 2 नो वीडियो मेळवा मारी चेनल ने जरूरथी सब्सक्राइब करो। फरी मळीशुं भाग 2 नी अंदर, त्यां सुधी આવજો।